पांडव जी के नेतृत्व के अंदर जो यहाँ इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़ देखी गई, उस भीड़ को आज सुरेंद्र जैन जी ने, सुरेंद्र कमांडो ने उन्हें बुढ़ाने का काम किया, क्योंकि इन्हें भी पता था 44 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो काम नहीं हो रहे हैं। आज हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इतनी देरी क्यों हुई। कमांडो साहब ये लगातार 44 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो ये तो आपकी जानकारी में था, आपकी नॉलेज में था, तो इतनी देरी क्यों लगी? ये इससे पहले जब लगा तो माननीय एलजी साहब के पास में समान काम समान तनख्वाह देने के नियम के अनुसार फाइल गई हुई थी, तो एलजी साहब ने उस फाइल को नहीं किया, उन्होंने फाइल को वापस कर दिया, इसलिए इतना समय लगा। उसके बाद दोबारा से जो है लगातार हमारे टीम के सदस्य और रत्नेश गुप्ता जी जो डिप्टी डायरेक्टर विधानसभा को देख रहे हैं, वो लगातार बातचीत रही। उसके बाद हमने बात किया तो दोबारा एक प्रपोजल बनाया और हमने सरकार के सामने प्रपोजल को रखा और यूनियन के लोगों के साथ जाकर मिलकर बैठक की, तो सरकार ने जो अप टू 100% सैलरी का जो प्रावधान उसमें रखा और माननीय मंत्री जी ने उसको मोहर लगा दी। ये देश का एक ऐसा पहला राज्य होगा जो NHM की टीम को इस प्रकार की सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ा के देने वाला राज्य होगा। इसके लिए हम माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और रत्नेश जी इन सब के और पूरी टीम के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो इन की ज़रूरतें हैं, जो ये सेवा करते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, इनकी बात को रखा। इनके लिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पांडो साहब अभी दिल्ली के